सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाने की शुरुआत की गई। इसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर कुशलता को पहला इंजेक्शन लगाया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई भी डर या भय नहीं था और वे बिल्कुल खुश थी कि कोरोना वैक्सीन की शुरुआत उनसे हुई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर 16 जनवरी 2021 को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में भी विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को निःशुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सरकार के निर्देश मिलते जाएंगे उसी के अनुसार निकट भविष्य में अन्य लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे और 16 जनवरी को केवल मात्र 90 स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये टीके लगेंगे। आज देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें जिला कांगड़ा में 5 स्थानों में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। उसमें सिविल हॉस्पिटल ज्वालामुखी में भी एक स्थान चिन्हित है। यहाँ पर 90 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाएगा और ये सभी लाभार्थी हेल्थ केयर सर्विसेज के हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोविड नियमों जैसे कि सभी को विदित है कि 6 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और जिनको टीका लगवा भी देंगे उनके भी यही बताया जाएगा कि अभी तक उनको इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा, तब तक अपने कोविड के सावधानियों का प्रयोग अवश्य करें। जिनको ये आज टीका लगेगा 28 दिन के बाद दोबारा टीका लगेगा, उसके बाद ही उसको इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो पहले टीके के 42 दिनों के बाद उसको इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी, तब तक उसको पूरी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। पहले तो वैसे मतलब डर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं आज दिन तक, तो उनको बचाने के लिए होता है। ये खुशी हो रही थी कि ये इंजेक्शन भी हमारी भलाई के लिए और हमारी जान बचाने के लिए, तो अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। को पहले लगे सर? बिल्कुल मना नहीं किया सर, मैंने जैसे उन्होंने बोला कि आपको लगे, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, मैं लगवा लूँगी, इसके लिए मैं तैयार थी सर पहले से। हाँ सर, ये इंजेक्शन आने से ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है कि ये इंजेक्शन से हमारी जान बच सकती है, तो ये बड़ा ही प्रभावशाली है सर इंजेक्शन। मैं लोगों से यही मतलब संदेश देना चाहूँगी कि ये इंजेक्शन जो है वो हम सब लोगों की भलाई के लिए, तो सभी लोग जो है इसके लिए कोऑपरेट करें और इसके लगाने के लिए तैयार रहेंगे। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बनाई गई वैक्सीन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कई माह तक लोगों ने इस वैक्सीन का इंतजार किया है और आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। पूरे देश में 16 जनवरी को कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं और केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए लोगों का जीवन बचाने में सहयोग किया है, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में आज 16 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए गए और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश भी सुने गए। बीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भी कोरोना वैक्सीन लगाई और बेहतर महसूस किया।